भारत सरकार में मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक केंद्रीय मंत्री बनने पर पहली बार पलेरा पहुंचे, जहां सभी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक का जोरदार स्वागत किया। जनपद सभागार में आभार कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने क्षेत्र की जनता व समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने विपक्ष पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि भगवान की प्रतिमा पूजा करने के लिए आस्था के लिए होती है, लेकिन भगवान का फोटो प्रदर्शन के लिए नहीं होता। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 29 साल में मैंने ऐसा नहीं देखा कि विपक्ष के नेता ने भगवान की फोटो पर मूंगफली के दाने रख कर खाते रहे। मंत्री जी ने कहा कि यह बालक बुद्धि का प्रदर्शन नहीं तो और क्या है। देश इस तरह के शोर शराबे से नहीं चलता। जब जनता ने लगातार तीसरी बार जनादेश दिया तो विपक्षी की पानी के बगैर मछली जैसी हालत हो गई। वहीं विपक्ष बेचैन होने लगा कि फिर 5 साल हमको विपक्ष में बैठना पड़ेगा। आभार कार्यक्रम में पहुंचे लोगों का केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं आप सभी का शब्दों से धन्यवाद नहीं कर सकता। मेरे शरीर का रोम रोम आपका कर्जदार हो गया है और कई जन्म लेकर भी मैं आपके लोगों का उपकार नहीं चुका सकता। इस लोकसभा में टीकमगढ़ जो इतिहास रख गया है उसे लोकसभा के इतिहास में टीकमगढ़ का नाम अंकित हो गया है। वहीं 8वीं बार जीतने वाला सांसद अगर कोई है तो टीकमगढ़ लोकसभा है। इसके बाद वह संजय नगर नर्सरी में वृक्षारोपण करने लोगों को वृक्ष लगाने का संदेश दिया। आज 18वीं लोकसभा के चुनाव के उपरांत जनता जनार्दन का अभिनंदन करने के लिए एवं कार्यकर्ताओं का आभार एवं धन्यवाद करने के लिए इस बार हमने लीक से अलग हटके जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं, सम्मान जनता का, सम्मान कार्यकर्ता का, सम्मान उन लोगों का जो दिन रात जनता के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों को जोड़ने का काम जिन कार्यकर्ताओं ने किया, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करने का निर्णय लिया। और उसी में आज सुबह से पलेरा बलदेवगढ़ से खरगापुर बीच के सारे रास्तों से होते हुए और पलेरा आना हुआ, मैंने देखा कि आज बड़ी संख्या में बहनें भी यहाँ पर आई थी और भारतीय जनता पार्टी NDA के अपने सहयोगियों के साथ में केंद्र में देश की जनता ने तीसरी बार NDA को जनादेश दिया है फिर से देश की बागडोर संभालने के लिए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 60 साल के बाद वह प्रधानमंत्री हैं, 60 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को जब तीसरी बार लगातार देश की जनता ने देश का प्रधानमंत्री बनने का उनको जनादेश दिया है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी विपक्ष के द्वारा जिस तरह से लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर और शोर शराबा करके राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान बाधाएँ खड़ी करने की जो जिस तरह से प्रयास किए गए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमने 2047 में भारत को जो विकसित राष्ट्र बनाने का सपना लिया, विजन लिया है, उस विजन को साकार करने में विपक्ष कितना ही शोर मचाए, कितने ही नारेबाजी करे, हम अपने मार्ग से विचलित होने वाले नहीं हैं। देश की जनता के लिए जो लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है, जो मार्ग हम लोगों ने तय किया है, उस मार्ग से हटने वाले नहीं हैं। आज सारी दुनिया माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जिस तरह से विकास यात्रा को आगे बढ़ाया है, आज दुनिया भर में भारत के प्रति देखने का दृष्टिकोण बदला है और विपक्ष को लगातार तीसरी बार विपक्ष में बैठने का जनादेश देश की जनता ने इसी कारण से दिया है कि इन्होंने 60 साल तक केवल झुंझुना दिखाया है, सब जवाब दिखलाए हैं, जन समस्याओं को जान करके जनता के बीच में जाकर के उनके निराकरण के लिए कभी प्रयास नहीं किया गया और इसलिए आज जो टुकड़ा टुकड़ा विपक्ष और झूठ का वातावरण पैदा करके कभी कहते हैं अग्निवीरों को और उनको सहायता नहीं दी जा रही है, कभी कहते हैं कि MSP नहीं दी जा रही है और इस तरह की बातें करके इसी तरह से उन्होंने चुनाव के दौरान कहीं संविधान को खत्म कर, इनके पास स्पष्ट ना कोई कार्य योजना है ना कोई इनके पास कोई आपस में गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी ने चाहे चंद्रबाबू नायडू जी की TDP हो और चाहे नीतीश कुमार जी के साथ में JDU के साथ में गठबंधन की बात हो, हमने अपना जो NDA का गठबंधन किया वो चुनाव लड़ने के पहले किया और विपक्ष का जो गठबंधन हो रहा है वो चुनाव के बाद हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी NDA के साथ में इस उसका सोच बिल्कुल स्पष्ट है, उसकी नीति स्पष्ट है, उसके नेता स्पष्ट हैं और हमारी नीयत भी स्पष्ट है। तो 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के
अपने संकल्प को पूरा करने के लिए हम अपने एनडीए के साथियों के साथ में एक संकल्प इच्छा शक्ति के साथ में सिद्धि तक ले जाने के लिए बढ़ रहे हैं। टीकमगढ़ पलेरा से यूडी न्यूज के लिए प्रमोद झा की रिपोर्ट।